ठीक है बच्चों, हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं, जो इस प्रकार है। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करें जो बिंदु -1.7 और 4.-3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो सबसे पहले दो बिंदु दिया हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 1 है 7.2 का, दो बिंदु में दी हुई है, लेट कर लेते हैं पी और क्यू। पी बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है -1.7 और क्यू बिंदु का निर्देशांक दिया हुआ है 4.-3, और कोई एक अन्य बिंदु मान के चलिए आर है, और यह आर जो है पूरी इस रेखा को 2:3 में विभाजित करती है। ये 2:3 में एज्यूम कर लीजिए M1 और M2 2:3, यानी क्या हुआ, M1 का वैल्यू 2, M2 का वैल्यू 3। P का कोऑर्डिनेट -1.7 और X1 का मान -1, Y1 का मान 7। Q का कोऑर्डिनेट 4.-3, X2 का वैल्यू 4, Y2 का वैल्यू -3। तो बोला गया है क्या कि P और Q बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड को कोई एक बिंदु R 2:3 में विभाजित करता है, तो R का निर्देशांक क्या होगा, ये X, Y इसका निर्देशांक क्या होगा। तो उसी प्रकार से पढ़े थे क्या कि हम लोग अगर कोई दो बिंदु A है, इधर B है, और ये X1 और Y1 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ हो, X2, Y2 इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और P कोई बिंदु है और ये M1 और M2 के रेशियो में डिवाइड होता था, तो P का निर्देशांक निकालते थे किससे, सेक्शन फार्मूला से। तो P का निर्देशांक किससे निकालते थे, सेक्शन फार्मूला से, क्या होता था, M1x2 + M2x1 / M1 + M2, M1y2 + M2y1 / M1 + M2। सेम फार्मूला यहाँ पर भी अप्लाई होगा। तो समझिए, तो हमको निकालना क्या R का निर्देशांक, तो चूंकि विभाजन सूत्र से, यानी तो फ्रॉम सेक्शन फार्मूला लिख सकते हैं, विभाजन सूत्र से क्या हो, R बिंदु का निर्देशांक, तो M1x2 / 21 mx लिख दीजिए, mx इधर, my by इधर 12 होता है, m1 + m2, ये m1 + m2, 12 21 12 21 हो गया, कॉमा, क्योंकि R एक निर्देशांक है, तो R निर्देशांक अगर रहता है तो निर्देशांक हमेशा कॉमा, x, y पेयर के युग्म के रूप में रहेगा, इसलिए इसको ऐसे ही सॉल्व किया जाएगा। M1 का वैल्यू कितना, M1 का वैल्यू 2 गुना x2 का वैल्यू 4 प्लस m2 का वैल्यू 3, x1 का वैल्यू -1 / m1 + m2, m1 + m2 2 + 3, कॉमा m1 का वैल्यू 2, y2 का वैल्यू -3 प्लस m2 का वैल्यू 3, y1 का वैल्यू 7 / m1 + m2 2 + 3। इसी को आगे सॉल्व करते हैं, 4 × 2 = 8 + -3, 8 में से 3 घटाएंगे 5 / 5, कॉमा 3 × 2 = 6 -6 + 15 + 21, 21 में से 6 घटाओगे 15/3, 5 × 5 = 18। तो बिंदु R का निर्देशांक कितना है, बिंदु R का निर्देशांक बराबर 1.3, ये आपका आंसर, कोई दिक्कत, चलिए।